और उस भव्य समारोह के बाद फिर आपने चित्रकूट की भी यात्रा की। चित्रकूट में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के हमारे जो भी उद्यमी हैं उनके प्रोडक्ट का शोकेस का जो यह अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पे प्राप्त हो रहा है, इसका शुभारंभ आपके कर कमलों से हो रहा है, ये हम सबके लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में, उद्घाटन समारोह में, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी अभी मार्गदर्शन और संबोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। उनकी उपस्थिति के लिए, उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए और भारत सरकार के योगदान के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था, इसका अपना एक लंबा इतिहास है, कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को COVID-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा, लेकिन मैं निश्चिंत था, मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है,
ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और